हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अलराजी बैंक का अकाउंट ओपन किए हैं, एटीएम प्रिंट कर लिए हैं तो उसको अपडेट करना होता है, तो अपडेट कैसे करेंगे, किस तरह अपडेट करना होता है। अगर अलराजी का ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना नहीं पता है तो आपको मेरे चैनल पर जाना होगा। चैनल पर जाने के बाद आप देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड किया हूँ ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का एंड एटीएम प्रिंट करने का। लेकिन आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि एटीएम कार्ड को कैसे एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए क्या प्रोसेस और क्या तरीका है। ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये वीडियो में जाकर देखेंगे, यहाँ पे मैं बताया हूँ कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस है। ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। और प्रिंट कैसे करते हैं देख सकते हैं, यहाँ पे एटीएम कार्ड को प्रिंट भी करते हैं और यहाँ से एक्टिवेट भी करते हैं। तो चलिए मैं आज की वीडियो में बताता हूँ कि एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना होगा और किस तरह एटीएम अपडेट कर सकते हैं। एटीएम अपडेट करना बहुत आसान तरीका है, लेकिन आपको उसका टर्म एंड कंडीशन को पता होना चाहिए। इस तरह का एटीएम होता है, देख सकते हैं, जब एटीएम प्रिंट करते हैं तो ऐसा एटीएम हमको मिलता है। एटीएम जब ऐसा मिलता है, ये एटीएम को लेकर हमें फिर वापस अलराजी बैंक में जाना होता है। वहाँ पर जो बैंक में अलराजी का कोई भी एटीएम मशीन है, उस मशीन पर जाकर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आप नहीं इसे पैसे डाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज की वीडियो में बताता हूँ कि एटीएम को अपडेट एक्टिवेट कैसे करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे एक्टिवेट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास वो नंबर होना चाहिए जो नंबर इस सिम में ऐड किए थे, जिस नंबर से आप अकाउंट ओपन किए थे, वो नंबर होना चाहिए आपके पास। तो चलिए मैं आ चुका हूँ अलराजी बैंक में। यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट नीचे एटीएम डाल देना है, यहाँ पे देख सकते हैं एटीएम डाल देना है अपना। डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। जैसे डालेंगे तो यहाँ लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद कोई सा भी रैंडम आप चार नंबर डाल देना है। रैंडम चार नंबर डालने के बाद यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कोई एक अमाउंट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर 100 रियाल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिर वापस आपको इसके अंदर फिलअप करना है। जब ओटीपी वापस फिलअप करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए जैसे मैं ओटीपी डालता हूँ, डालने के बाद यहाँ पे न्यू पिन जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। देखें यहाँ पे आपके सामने मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पिन का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको न्यू पिन डाल देना, जो भी आप अपना एटीएम का पिन रखना चाहते हैं वो पिन आपको डाल देना है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए इस तरह एटीएम अपडेट हो एक्टिवेट हो चुका है। अब चलिए मैं बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी तक आप मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखें यहाँ से डायरेक्टली चेक करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन हमें क्या करना है, एटीएम को निकालना है। एटीएम निकाल के दोबारा से इसमें डाल देना है। दोबारा एटीएम डालेंगे, डालने के बाद आपके सामने मैं बैलेंस चेक करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं मैं एटीएम को निकाल लिया हूँ, निकाल कर फिर मैं दोबारा डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो नया पिन बनाए थे वो पिन आपको इसके अंदर डाल देना है। देखें वो पिन डालने के बाद यहाँ पे इंक्वायरी बैलेंस पे क्लिक करें, उसके बाद आपका जो बैलेंस होगा यहाँ पे पूरा डिटेल शो करेगा। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।